हमने अपने प्रोग्राम में एक नए सेगमेंट का आगाज किया है जिसका नाम है ट्रक की बत्ती। ट्रक की बत्ती सुन के बड़ी ठंड जी पई, बड़ा अवामी जा ना है। इधर राइटर कितने लाला अताउल्ला ईसा खेल भी थे। कई बार ये ट्रक वाले ने जी लाला अताउल्ला ने पुठा सीधा करते जी। वो कैसे? वो फटे से तस्वीर बनी होंगी, वो तीन नंबर फटा थले लाता, नौ नंबर से नौ नंबर उत्ते लाता, सत नंबर थले, छे नंबर उत्ते, तो लाला नहीं वो हला लाला बन जाता। वैसे सारी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। उन दो वे तो बाकी लाई हुई गड्डी। मैं एक बार ट्रक की बत्ती पीछे लग गया तो जा रही थी, मैं यार जिधर जा रहे पिंडी जाना सी, मैं कहते मगर मगर असी पिंडी टुट जाएंगे। ट्रक खलो गया, मैं भी पिछे खलो गया, मैं अपनी ट्रैफिक फसी, दिन चढ़ गया, मैं बाद पता लगा उन्हें ट्रक अपने गराज चलाया। ये ट्रक की बत्ती तो खैर अब एक जरबुल मिसल बन चुकी है। बेसिकली ट्रक की बत्ती वो वादे होते हैं किसी के जो कभी वफा ही नहीं होते। बिल्कुल तो सही कह रहे, वादे भी होते हैं, ट्रक की बत्ती ये भी होती है। जिन्हें के यू मिर्जन को कहे कि मैं तेन फिल्म च हीरो ले लाँगा, ये उस चाह दे विच ओदे घर दे काम कर रहे हैं, इन कदों समझ आएगी कि उन्हें ट्रक की बत्ती पिछे लाया, तू हीरो नहीं आना। ये मैनू कही जा रहे ने जो लाइट गई होंगी ट्रक की बत्ती पिछे बह के मच्छी भी खान दिया होंदा। बस ये ते कौम, क्या बात है, हम लोग 75 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। अच्छा हो जाए बंदा शर्त हार जावे ना तो कहता मुझे पहले ही पता था मैं हार जाऊंगा। देखो ना खान साहब जड़े ने पढ़े लिखे बंदे ने, सानू सारियां गल्लां ही दसदे ने, और आप ट्रक की बत्ती पीछे लगे। वो कौन सी? एक बंदे नु पैसे खवा रहे हो, कहता मैं तेरा स्टूडेंट वीजा लवा देगा। वैसे हम काफी देर से ट्रक की बत्ती डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सेगमेंट में होने क्या वाला है? बेसिकली आज हम उस ट्रक की बत्ती की बात करेंगे जिसके पीछे पिछले 75 सालों से हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तानी आवाम को लगाया हुआ। नहीं बिना फिर तो ये सेगमेंट बहुत लंबा चलने वाला है। कह तो सही रहे हो, इतनी बत्तियां हैं। हाँ। जी, और कई बत्तियां बुझ भी गई हैं, फिर भी हम उनके पीछे लगे हुए हैं। आज इस सेगमेंट में हम उन प्रॉमिसेस की, उन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो हुकूमतों ने अपने अपने वक्त में शुरू तो किए लेकिन उनको पाया तक मेल तक नहीं पहुंचा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुकम्मल तो कर लिया गया लेकिन उसका फायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुँचा। हाँ। जैसे कि ये सड़कें, रेडी सड़कें। एक सेकंड जी, मैं जरा काशा जी ना कि जी हमने मोटरवे आवाम को दिया। हाँ। अवाम इतो लोरो टुर के पिंडी जाके जो 1000 रुपया दें को, यही बात मैं करने वाला, पहले कर ले अगर थथिया। अगर हम ट्रक की बत्ती की बात करें ना तो एक बड़ा मशहूर नारा था, जबान जदे आम है रोटी कपड़ा और मकान। आज तुहानू गल याद है, ये जी ट्रक की बत्ती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये भी तुहाडे बुजुर्ग उस ट्रक की बत्ती पिछे लगे होणगे। और ये गल कोई बुजुर्ग ही दस सकदा है। हमारे बुजुर्गों समेत हम भी अभी तक इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। रोटी कपड़ा और मकान तो लोगों को नहीं मिला लेकिन जो बेसिक सहूलतें थी, बिजली पानी गैस, उससे भी गए। मिर्जे के बच्चे ने इन्हें ट्रक की बत्ती मगर लाया। कैसे? 5 सालों तो कह रहे हो काम से जाया करो, रोज कहते जावांगे। आपके भुट्टो साहब से मुलाकात हुई है? जी मेरी मुलाकात हुई, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे अच्छे लगते थे वजीर आजम के रूप में। इन्होंने जफ्फी पा के तो उन्होंने 400 भी काट लिया। किस तरह हुई थी मुलाकात? भुट्टो साहब जा रहे थे तांदलेवाला तकरीर करने के लिए। अच्छा। स्कूल से छुट्टी हुई तो मुझे पता चला कि यहाँ से भुट्टो साहब ने गुजरना है, फिर मैं वो गाड़ी गुजरी तो मैं गाड़ी की छत पे बैठ गया, मैं उनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा भुट्टो साहब मुझसे हाथ मिलाएंगे तो गाड़ी से उतर। नहीं, फिर उन्होंने हाथ मिलाया तेरे नाल। भुट्टो साहब ने कहा बेटा उतर जाए मेरे दिल से। आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, आप यकीन कीजिएगा 20 रुपए की रोटी होगी। हाँ साहब, 20 रुपए दिए थे वे रावलपिंडी, 30 ही बिकन रही है। वही ना, दर्जन अंडे तकरीबन 350 को पहुंच चुके हैं। 600 रुपए की किलो मुर्गी जी, 190 रुपए का खालस दूध मिल रहा है जी। अच्छा वीना, इससे मिलते जुलते और भी और क्या, रिसेंटली अभी ये जो नारा मशहूर हुआ था वोट को इज्जत दो, आवाम तो वोट को इज्जत देती है, आप जलसे करते हैं लोग जाते हैं, बट वोटर को इज्जत कौन देगा? वोटर को भी तो इज्जत दे ना। वोटर को सिर्फ बिरयानी मिलती है, उथे भी ट्रक दी बत्ती मगर ही लाउंदे, कई बारी बिरयानी कट जांदी है। ये नारे तो अपनी जगह, ये जो नया पाकिस्तान का नारा लगा था, कहाँ है नया पाकिस्तान? वो भी अवाम में तहलील हो गया। ये भी तो ट्रक की बत्ती है ना, कि तब्दीली आ रही है जी। मैं समझता हूँ अवाम को एक अपना नारा बनाना क्या होना चाहिए, वो नारा साडा हक इत्थे रख। और फिर ये है कि हमारे यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो पिछली हुकूमत ने काम किया होता है ना उसको रुकवा दिया जाता है, उसकी जगह अपनी नेम प्लेट या नंबर प्लेट जो है ना वो लगा दी जाती है। ये तो एक अलमिया है कि पुरानी हुकूमतों के जितने भी इनिशिएट किए गए प्रोजेक्ट्स होते हैं वामी फलाह बहबूद के, उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें ना कि कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए थे वो तातुल का शिकार है। अब ये देखें पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, वो एक मुआहदा तय पाया था जिसके जरिए से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक पाइपलाइन बिछाना थी गैस की। पाकिस्तानियों को गैस जो थी वो सस्ती और आसानी से मुयसर होना थी,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2019 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था और अभी तक ये प्रोजेक्ट तातुल का शिकार। अब जो रीसेंट सिचुएशन है वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल ना किया तो 18 अरब लाइक 18 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान को जुर्माना भरना। इसमें ये है कि अदम दिलचस्पी है, ये अवाम को नजर नहीं आएंगे। सोरे कह रहे होंगे दवा करो फिर के वापस आइएगा। मैं तेरे थप्पड़ मारना केडी बुरी गल है किसी ने बुझ लेना। खान वर्गा बंदा ऑरेंज ट्रेन दे विच भी नमक लैके बह जांदा है। ऑरेंज मिलेगा इत्थे। ओए साडे फ्लैंग नु गल ना कर, ओ तेरे लाले वर्गा बंदा ना हस के मेट्रो च बहिंदा हुंदा है। क्यों? वहां पे बच्चों की सीट लैदा बनी हुई। हमारे अवाम जो है ना वो हर चीज सह सकते हैं, महंगाई भी सह लेते हैं सब चीजें, लेकिन लोड शेडिंग और सिक्योरिटी ये दो ऐसे मामला हैं जिन पे ये कहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा ना नरमी बरतो। When it comes to safety and security, safe city project के बारे में भी हम सब ने सुन रखा है। हाँ जी। अब देखें ना, unfortunately 2014 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इतने साल गुजर जाने के बावजूद 7-10% तक भी काम नहीं हुआ। अगर सेफ सिटी वाला मंसूबा अच्छी तरह से इसको नाफिज किया जाता ना तो आज हमें जो हम इतने इतने पैसे खरीदते ना सीसीटीवी के लिए हम ना खरीदते, क्योंकि हमारी जो लोकेशंस हैं या हमारा जो भी गली का वो स्ट्रीट व्यू है वो इनके पास पहले से होता है कि कहीं पे अगर चोरी हो रही है या कोई स्ट्रीट क्राइम हो रहा है ये जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। कौन है आप जी? मैं कैब ड्राइवर हूँ और ये अजर नामी बंदा है उसने जी कैब बुक कराई है। मैं पिछले 10 मिनट से बाहर वेट कर रहा हूँ, बंदा बाहर नहीं आ। अजर कौन है जी आप में से? जी मैं नहीं तो क्या आप आज गाड़ी पे नहीं आए? नहीं उधर प्रॉब्लम थी रिकॉर्डिंग से पहले आपने कैसे मंगवा ली? ये था कि आज जरा जल्दी फारिग हो जाएंगे। तो अभी तो आप काम कर रहे हैं, आपको जाने कितनी जल्दी, आपने पहले बुक कर ली, 10 मिनट्स में तो आ जाती है कैब। मेरे भाई आप साथ आए और मैंने कैंसिल नहीं करने देनी आपको, सुबह से मैं निकला। ओहो तो आप इंतजार करें ना बाहर, वो शो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरी बात, मैं गरीब आदमी चल। तो आपको वेटिंग के चार्जेस मिलेंगे ना, पे द कैंसिलेशन चार्जेस राइट नाउ। बड़ी मेहरबानी दें जी भाई। वो जी इस वक्त मेरे पास खुले पैसे नहीं है। इस बंदे की टेंशन में 100 रुपए के सिगरेट मैं पी गया। ओह माय गॉड, इस बंदे की टेंशन ले लिया आपने? ओदी टेंशन लेके सिगरेट पी रहा तो तन्नू कैंसर ही होना ही। आपने इनकी टेंशन ली, इनकी लाइन तो एडिटर नहीं लेता। यार आपके हालात तो मुझसे ज्यादा खराब है मेरे भाई, मेरी तरफ से 500 रुपए रख लें आप। कुछ देखो उन्हें ऑफर कराई और टीट रखे हाथ भी करता लगा जाए। नहीं नहीं मेरे भाई आपके हालात ठीक नहीं, ये पैसे पर ये आपके बनते नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। ये तो खुफिया बिजनेस है। क्या ये रोजाना ही इंज करता है? रेड मंगवांदा है, कैंसिल करता है, कैंसिल करता है, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਸ਼ਜਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਟੀਵੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਮਸਤੀਆਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ। ਆਪ ਜਾਏ ਹਮਾਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੇ, ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਦਬਾਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਾ ਬਟਨ ਤਾਕਿ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਐਪੀਸੋਡਸ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇਂ। ਸੋ Go there and enjoy mastiyan.